नमस्कार जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और अभी जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार है वो सरकार है कांग्रेस की, और भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं और लगभग 5 सालों से वो लगातार वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, है ना भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश से कटकर अलग हुआ था, और जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो अभी जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के जो टोटल आबादी है उस आबादी के लगभग 30% आबादी छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब्स की है, अनुसूचित जनजाति की है, आदिवासियों की है। जब इतनी बड़ी संख्या में इनकी आबादी है तो राजनीति के केंद्र में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और भारत में जिस तरह से राजनीति चलती है वो तो समझ ही सकते हैं कि जब, है ना, तो इस तरह की स्थिति चलते रहती है। अभी छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है ना, आरक्षण को लेकर आरक्षण बढ़ाया गया, घटाया गया, सारी चीजें हुई, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के जो अबकारी मंत्री हैं, है ना, कवासी लखमा जो अबकारी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, और जब ये खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं तो इन्होंने रायपुर में, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में, एक जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कह दिया वहां पर कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो हिंदू नहीं है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि कवासी लखमा ने यह भी कहा कि इनके लिए एक अलग धर्म कोड की मांग की गई है। मतलब सारांश में बता रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मैं बता रहा हूं, पर सारांश है कि इन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इनके लिए एक अलग धर्म कोड की मांग होनी, इनके लिए एक अलग धर्म कोड ही होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जैन धर्म का भी हवाला दिया कि उनके लिए धर्म कोड है, तो समझ ही सकते हैं बात को। और ना सिर्फ इतना इन्होंने कहा बल्कि जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि यहां पर छत्तीसगढ़ के जो आबकारी मंत्री कवासी लखवा है तो इन्होंने ये कह दिया, है ना, कि आगामी 20 अप्रैल को आदिवासी समाज मिलेंगे किनसे, मिलेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 20 अप्रैल को, और अलग धर्म कोड की मांग की जाएगी। और मैं फिर बता देता हूं, राष्ट्रपति से मिलने से कुछ भी होने वाला नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूं। अब मैं किस मायने में बता देता हूं वो भी बता दूं आपको, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति का कोई अधिकार ही नहीं है। मेन जो बातें हैं वो बातें क्या है कि आखिर देखिए, अभी हाल फिलहाल में झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी, कहा जा रहा है कि वहां पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो एक अलग धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया, सारी धर्म कोड और सरना धर्म कोड, ये दोनों आदिवासियों से जुड़े हुए धर्म कोड है, ये दोनों शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों से जुड़ी हुई धर्म कोड है। तो उसको क्या किया, अपने विधानसभा में पास किया और उसको प्रस्ताव पास किया। लेकिन जो जनगणना होना है उस जनगणना में अगर धर्म कोड को अलग से एक अलग धर्म कोड जोड़ना है तो वो अधिकार किसके पास है, तो मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आखिर वो अधिकार है किसके पास। तो देखिए, भारत की जनगणना करवाता कौन है, पहले वो आप जान लीजिए कि भारत की जनगणना करवाता है द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऑफिस के अंतर्गत जनगणना होता है, और भारत की जनगणना 1871 से होता, 72 से, है ना, फिर लॉर्ड मायो सारी चीज हुआ, लेकिन मेन जो जनगणना हुआ वो 1882 से हुआ, और तब से लेकर लगभग 10 साल के बाद जनगणना होता ही आया है। 2021 वाला छोड़ दीजिए, कोविड वाला समय, और मैं फिर कहता हूं कि 2024 तक कोई जनगणना होने वाला नहीं है, चुनाव हो जाएंगे उसके बाद फिर जनगणना होगा, ये बात भी है। तो जनगणना करवाता है कौन, द रजिस्ट्रार जनरल सेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के अंतर्गत ये जनगणना होता है। ये आता है किसके अंतर्गत, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और होम मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है भारत के, भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। हाँ, तो अगर जो गृह मंत्री है वो डायरेक्शंस दे दें तो फिर किया जा सकता है, लेकिन हाँ तो हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन देना होगा गृह मंत्री को, गृह मंत्री डायरेक्शन दे तो किया जा सकता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इन्हीं के ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्री के अंतर्गत आते हैं, तो चीजें हो सकती है। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई, है ना, तो यहां आदिवासियों के लिए धर्म कोड की मांगी गई। आपको पता है
कि कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, वहां पर भी एक अलग धर्म कोड की मांग की गई थी आदिवासियों के लिए। जो कांग्रेस के आदिवासी अध्यक्ष थे शेड्यूल ट्राइब्स के, उन्होंने आदिवासी धर्म कोड की मांग की थी, तो है ना, मतलब एक अलग धर्म कोड की मांग की थी। झारखंड से सरना धर्म कोड की मांग उठती है झारखंड वाले इलाकों से, फिर पश्चिम बंगाल में सरना धर्म कोड भी, सारी धर्म कोड भी है ना। उसके बाद अगर आप चले जाइए, क्या बोलते हैं उसको, तो कुछ जगह आदिवासी धर्म कोड, कोई आदि धर्म कोड है ना, तो इतने सारे धर्म कोड। अब आदिवासियों के लिए कौन सा धर्म कोड सुटेबल हो या क्या धर्म कोड चाहिए और क्या निर्णय लेते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। सरना धर्म कोड झारखंड में पुरानी मांग है कि झारखंड के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए। झारखंड से बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइब्स हैं, वो कहते हैं कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए, तो ये मांगे भी पुरानी है। तो आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी बातें ये है कि छत्तीसगढ़ के जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, अलग धर्म कोड की मांग की, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की भी बात कही गई है 20 अप्रैल को। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से धर्म कोड चाहिए, सुटेबल होगा, क्या होगा नहीं होगा, आप अपनी राय कमेंट करके कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।